हेलो दोस्तों, मेरा नाम कीर्ति स्वरूप बोरकर है। हमारे नॉलेज चैनल मेघा कंप्यूटर्स में आप सभी का स्वागत है। वीडियो में अगर आपको कुछ भी सीखने मिले तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए कुछ बढ़िया सीखते हैं। चलो, आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इंग्लिश का 90% पोर्शन टेंस पर ही डिपेंड होता है। ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग। तो चलो आगे बढ़ते हैं। टेंस, टेंस का मतलब होता है एक ऐसा समय जो आपको उस घटना के बारे में बताता है। जैसे टेंस इज द टाइम डिस्क्राइब्ड बाय अ वर्ब। सम टेंस हमेशा किसी काम के बारे में बताएगा आपको, शोन बाय इट्स ग्रामेटिकल फॉर्म। इसको छोड़ दो। देर आर थ्री मेन टाइप्स इन इंग्लिश। काल एक क्रिया द्वारा, ये सब इतनी शुद्ध हिंदी पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिंपल समझना ये है कि टेंस क्या होता है। टेंस एक समय होता है जो उस समय में घटित, जो भी उस समय में हुआ होगा उसके बारे में आपको बताएगा। जैसे अंग्रेजी में तीन मुख्य काल है, इंग्लिश में तीन टेंस होते हैं। प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल, थिंग्स दैट आर ट्रू When the words are spoken or written, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। हमने जो क्लास में पढ़ा उससे काफ़ी ये अलग है, आपको इसको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। चलो समझ लेते। Things that are true when the words are spoken or written, वे बातें जो सच होती है जब शब्द बोले जाते हैं या लिखे जाते हैं। जो भी चीज़ हकीकत में हो रही है, जो भी बातें आप जो बोल रहे हो या सुन रहे हो, अगर उसका वास्तव में कोई मीनिंग बनता है तो उसे आप बोलेंगे प्रेजेंट टेंस। ये हो गई डिटेल नॉलेज। और शॉर्टकट नॉलेज ये है कि ऐसा समय जो अभी चल रहा है, ठीक है। शॉर्टकट भी बता दिया और डिटेल बता दिया। आपको डिटेल सुनना है, फिर से पीछे जाओ, समझ लो अच्छे से। एग्जाम्पल लेते हैं, शी इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रही है। क्या हम इस बात को मानेंगे क्या? जी हाँ, मानना पड़ेगा, क्योंकि वो अभी लड़की स्कूल जा रही है, मतलब जो भी हो रहा है वो हकीकत में हो रहा है। समझ में आ रहा क्या आपको? मैंने आपको बताया था कि जो भी चीजें हकीकत में है, जिसका वास्तव से कोई ना कोई रिश्ता है, वो होता है प्रेजेंट टेंस। ऐसा आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, मैंने वो डिटेल से नॉलेज निकाल के आपको पढ़ा रहा हूँ। She is going to school, वो हकीकत में हो रहा है। She is going to school और उसका कहीं ना कहीं प्रूफ है, ठीक है। She is going to school, शॉर्टकट की भाषा में देखो, She is going to school मतलब अभी वो इस समय कार्य हो रहा है, वह स्कूल जा रही है, वो घटना अभी हो रही है। दूसरा टेंस है अपने पास पास्ट टेंस। Things that were true Before the words were spoken or written, इसका मतलब past tense का मतलब होता है ऐसी बातें जो बोलने या लिखने के पहले सच थी, वो अभी सच नहीं है। वो जब बोला गया, वो जब लिखा गया, उसके पहले वो सच था। जैसे शिवाजी महाराज थे, आपने देखा क्या? गौतम बुद्ध थे, आपने देखा क्या? ठीक है, वो जब भी लिखा होगा उसके पहले वो बातें सच थी, ठीक है। जैसे मैंने खाना खाया था, वो आपने जब लिखा उसके पहले वो सच थी बात, पर वो अब सच है क्या? वो घटना हो गई, ठीक है। ये हो गया डिटेल नॉलेज में। अब शॉर्टकट में देखो, शी वेंट टू स्कूल, वो स्कूल गई, आपने देखा क्या? वह स्कूल गई थी, आप इसको सच मान सकते क्या? हम इसको सच नहीं मान सकते, क्योंकि जब ये लिखा गया था सेंटेंस, वह स्कूल गई थी, ये बात ये सेंटेंस को लिखने के पहले हुई है। देखो फिर से एक बार, ये सेंटेंस क्या बोल रहा है, वह स्कूल गई थी, मतलब ये सेंटेंस अभी सच माना नहीं जाएगा, लेकिन जब वो स्कूल गई थी उसके बाद इसको लिखा गया। समझ में आया क्या? और शॉर्टकट में जो समय बीत गया वो पास्ट टेंस। क्लियर? यस। चलो पढ़ते हैं फ्यूचर टेंस के बारे में। थिंग्स दैट विल बी ट्रू आफ्टर द वर्ड्स आर स्पोकन और रिटन। देखो बहुत ध्यान से, डिटेल में बता रहा हूँ। ऐसी बातें जो बोलने या लिखने के बाद सच होगी, मतलब हम
वो होते हैं ना, आप सुनते हैं कि ज्योतिषी वगैरह होते हैं, वो कुछ बोलते हैं वो बाद में सच हो जाता है, मतलब वो फ्यूचर बताता है अपना। याद आया कि वर्ड अभी फ्यूचर, फ्यूचर टेंस, मैंने अभी बोल दिया कि आप लोग 2 महीने के बाद नौकरी पे जाओगे, चले गए क्या? नहीं ना। लेकिन ध्यान से देखो मैंने क्या लिखा, आप 2 महीने बाद नौकरी पे जाओगे, इसका मतलब मैंने पहले बोल दिया उस चीज को, वो होगी बाद में, है ना। जो घटना अभी बोलने के बाद होगी, कभी ना कभी होगी, उसको हम बोलेंगे फ्यूचर टेंस। ये हो गया डिटेल में, एकदम शॉर्टकट में, आने वाला समय, बराबर ना। जैसे शी विल गो टू स्कूल, वह स्कूल जाएगी, गई क्या? क्या ये बात को हम अभी सच मान लेंगे क्या कि वो स्कूल जाएगी ही जाएगी? नहीं ना, लेकिन वो कभी ना कभी स्कूल जाएगी, बराबर। मतलब हमने एक भविष्यवाणी की है कि वह स्कूल जाएगी। फिर से एक बार शॉर्टकट में समझाता हूँ, पास्ट टेंस मतलब बीता हुआ समय, प्रेजेंट टेंस मतलब चालू समय जो अभी चल रहा है, फ्यूचर टेंस मतलब, सॉरी मैं गलत बोला कुछ, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, पास्ट टेंस मतलब बीता हुआ समय, प्रेजेंट टेंस मतलब जो अभी चल रहा है वो समय, फ्यूचर टेंस मतलब जो समय अभी आने वाला है। क्लियर? इंपॉर्टेंट वीडियो, बार बार देखना है इसको। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रैक्टिस करते हैं। जैसे टाइप्स हम पढ़ेंगे अभी इसके, कि टेंस के भी कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल टेंस, परफेक्ट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलो एक एक को देखते हैं अपन धीरे धीरे। डिड यू गेट इनफ स्लीप एट लास्ट नाइट, मतलब क्या आपको कल रात पर्याप्त नींद मिली? मिली का मतलब वो घटना हो गई है, बराबर। तो जवाब में आप कैसे बोलेंगे, यस आई स्लेप्ट वेल, हाँ मैं अच्छी तरह सोया था, घटना हो गई है, सिंपल पास्ट। ये भूतकाल था, भूतकाल में भी कौन सा टाइप है, सिंपल पास्ट है, ठीक है। डू यू शावर एवरी डे, क्या आप रोज स्नान करते हैं, नहाते हो, मतलब ये क्या बात चल रही है, वर्तमान काल की बात चल रही है, जो हकीकत है, मैंने बताया ना आपको, जो आपको सच लगे, आपको सुन के ऐसा लगे कि हाँ ये बात सही है, तो आप उसको प्रेजेंट टेंस बोलेंगे। यस आई शॉवर एवरी डे, हाँ मैं रोज स्नान करता हूँ। आर यू गोइंग टू स्टडी टू नाइट, क्या आप आज रात अध्ययन करने जा रहे हो, सादी भाषा में क्या आप आज रात पढ़ाई करने जा रहे हो, मतलब वो घटना हो गई क्या, नहीं होने वाली है या होगी कभी ना कभी, इसलिए उसको फ्यूचर टेंस में डाला गया है सिंपल में। यस आई एम गोइंग टू स्टडी टू नाइट, हाँ मैं आज रात को पढ़ने जा रहा हूँ। वॉट वेयर यू डूइंग वेन आई कॉल्ड यू लास्ट नाइट, आप कल क्या कर रहे थे जब मैंने आपको फोन किया, है ना। ये पुरानी बात चल रही है ना, जो सच नहीं मानेंगे, जो हो चुकी है, जब ये भी सेंटेंस लिखा गया उसके पहले वो सच था पर अभी वो सच नहीं है। कल आप क्या कर रहे थे जब मैंने फोन किया, मतलब पुरानी बात मतलब पास्ट टेंस, और उस समय वो घटना हो रही थी, आप उस समय क्या कर रहे थे। जब भी कभी भी किसी भी हिंदी के सेंटेंस में रहे थे, रहा था, रही थी दिखा, समझ जाना कि वो कंटिन्यूअस टेंस है, वो घटना घट रही है अभी भी। आई वॉज ईटिंग डिनर वेन यू कॉल्ड मी लास्ट नाइट, जब आपने मुझे रात को फोन किया तो मैं रात का खाना खा रहा था, है ना। देखो ये कंटिन्यूअस टेंस को कैसे पहचानेंगे, आपको वहां पे ना ऐसा आईएनजी दिखेगा, जब भी कभी किसी सेंटेंस में आपको आईएनजी दिखेगा, समझ जाना कि वो कंटिन्यूअस टेंस है। अब जैसे यहाँ देखो, व्हाट आर यू डूइंग, फिर से आईएनजी आ गया, सिंपल सा हिंट लगा लो कि ये कंटिन्यूअस टेंस है। व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ, अभी आप क्या कर रहे हो, मतलब ये सच बात है, अभी आप क्या कर रहे हो, प्रेजेंट टेंस कंटिन्यूअस। आई एम प्रैक्टिसिंग वर्ब टेंसेस राइट नाउ, मैं अभी वर्ब की टेंस की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ठीक है। What will you be doing at midnight on New Year's evening? आप नए साल की शाम में क्या करेंगे? क्या करेंगे? आपको पता है क्या? आप तो भविष्यवाणी कर रहे हो, है ना? इसलिए will लग गया और future आ गया, बराबर क्या? Continuous tense कैसे? क्योंकि ing है। Good? धीरे-धीरे practice अच्छे से करो। I will be celebrating। देखो फिर से ing मतलब से future, continuous tense will मतलब future, भविष्य की बात चल रही है। मैं अपने दोस्तों के साथ नए साल का जश्न मनाऊंगा, एंजॉय करूंगा। Had you ever tried skipping
स्कीइंग बिफोर टुडे, स्कीइंग का मतलब होता है बर्फ में वो जो खेलते हैं ना उसको स्कीइंग बोलते हैं। क्या आपने आज से पहले, देखो आज से पहले मतलब भूतकाल पास्ट टेंस, क्या आपने आज से पहले कभी स्कीइंग की कोशिश की थी, की थी मतलब वो घटना कभी आपने इसके पहले पूरी की क्या? पूरी करना मतलब परफेक्ट करना। यस आई हैड ऑलरेडी डन इट सेवरल टाइम्स बिफोर, हाँ मैंने इसके पहले बहुत बार किया था, किया था मतलब वो घटना को पूरा किया आपने, है ना ऐसा। हैव यू एवर ब्रोकन द लॉ, क्या आपने कभी कानून तोड़ा है, मतलब ये बात आप हकीकत वाली कर रहे, सच लग रहा है ये बात, है ना, क्या आपने कभी कानून तोड़ा है? नो मैंने कभी कानून नहीं तोड़ा, तो ये कौन सा माना जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट। धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। विल यू हैव गॉटन मैरिड बाय द टाइम यू टर्न 30, क्या आप 30 साल की उम्र में शादी कर लेंगे? कर लेंगे, कोई गारंटी है क्या? कर लेंगे, वो पूछ रहा है कर लेंगे, पॉसिबल है क्या? पता नहीं, क्योंकि भविष्यवाणी कभी सच होती है कभी नहीं होती, इसलिए इसको फ्यूचर बोलते हैं। परफेक्ट का मतलब कर लेंगे, क्या वो घटना हो चुकी होगी, क्या आपकी शादी उस समय तक हो जाएगी, है ना। नो आई विल नॉट हैव गॉटन मैरिड बाय द टाइम आई टर्न 30, नहीं मैं 30 साल की उम्र तक शादी नहीं करूंगा, मतलब वो घटना उस समय पूरी नहीं होगी, इसलिए परफेक्ट। ओके हाउ लॉन्ग हैड यू बीन स्मोकिंग बिफोर यू क्विट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। परफेक्ट कंटिन्यूस का नियम देखो कि यहाँ पे हैड भी आएगा और बिन भी आएगा, ठीक है, कुछ कुछ नियम होते हैं, देखना है आपको। आपके जाने से पहले आप कितने समय से धूम्रपान कर रहे थे, है ना। एक्चुअली यहाँ पे जाने से नहीं आना चाहिए, छोड़ने से आना चाहिए, मैं अभी करेक्ट कर देता हूँ इसको। जाने से मतलब वो मरने वाली बात कर रहा है, कोई मर थोड़ी रहा है यहाँ पे, ठीक है। आपने जो धूम्रपान, जो आप स्मोकिंग करते हैं, वो छोड़ने से पहले आपने, आप कितने टाइम से स्मोकिंग करते थे, ये क्वेश्चन है वो, है ना। मतलब वो घटना वो आदमी बहुत दिनों से करता आ रहा था, वो आदमी स्मोकिंग नाम की जो क्रिया है, धूम्रपान करने की जो क्रिया है, वो बहुत सालों से या महीनों से करता आ रहा था। जब भी कोई घटना बहुत दिनों से चलती आ रही है तो समझ जाना कि उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस कहा जाएगा। बाद में आई हैड बीन स्मोकिंग फॉर 2 years बिफोर आई क्विट, मतलब मैं 2 साल तक धूम्रपान करता था, मैंने जब ये स्मोकिंग को क्विट किया, छोड़ा, मैं 2 साल तक कंटिन्यू धूम्रपान करता था, स्मोकिंग करता था, ऐसा उसका बोलना है, ठीक है। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग फॉर द बस, ये बात सच है, कैसे, आप कितने देर से बस का इंतजार कर रहे हो, सही बात है कि नहीं, हाँ हकीकत लग रही है ना आपको, सही बात है। आई हैव बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर 20 minutes, मैं 20 मिनट से बस का इंतजार कर रहा हूँ, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, क्लियर। चलो इसको शॉर्टकट में निपटाते, समझ लेते हैं, ये टेंस हो गया, ये पास्ट टेंस, ये प्रेजेंट टेंस, ये फ्यूचर टेंस। पास्ट टेंस में सिंपल टेंस का नियम क्या होता है कि वहाँ पे कोई नियम नहीं होता, सिंपल से वर्ड होंगे, इट स्नोड यस्टरडे, कल बर्फ गिरी, इसका यह मतलब होता है। इट स्नोज एवरी विंटर, देखो यहाँ लिखा है कल बर्फ गिरी, कल बहुत सारी बर्फबारी हुई, आप देख के आए थे क्या, आपने देखा क्या, तो वो जो घटना है वो बीत गई है, लेकिन वो अभी सच है क्या, नहीं। यहाँ देखो क्या लिखा है, इट स्नोज एवरी विंटर, इसका मतलब होता है हर सर्दी में बर्फ गिरती है, बिल्कुल सही बात है, क्या आप इसको सच मानेंगे। धूप काले में धूप लगती है आपको, बरसात में आप गीले होते हैं क्या, हाँ, तो ये बात को हम सच मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे, है ना। इट स्नोज एवरी विंटर, हर सर्दी में बर्फ गिरती है क्या, हाँ गिरती है, सही बात है ना। अब इट इज गोइंग टू स्नो टू नाइट, यहाँ पे क्या लिखा है, देखो आज रात को बर्फ गिरेगी, आज रात को बर्फ गिरेगी, आपको सच्ची में पक्का पता है क्या, आप भगवान है क्या, आप नेचर के दोस्त है क्या, नहीं, हमने सिर्फ बोला है कि ऐसा हो सकता है, पर आप इसको सच नहीं मान सकते, है ना, इसलिए उसे कहा जाता है फ्यूचर टेंस, बराबर। इट विल स्नो दिस विंटर, इस सर्दी में, इस ठंड काल में बर्फ गिरेगी, पर कोई जरूरी है क्या, नहीं, है ना। चलो आगे बढ़ते, कंटिन्यूअस टेंस लगातार होने वाली चीज,
इट वॉज स्नोविंग वेन आई ड्रोव टू वर्क। जब मैं जा रहा था, गाड़ी चला रहा था, तब बारिश गिरी। मतलब वो घटना हो गई, तो अभी हम उसको सच नहीं मानेंगे, वो हो गई, बीत गई। इट इज स्नोइंग, अभी आपके सामने वो गिर रही है, अभी आपके सामने बर्फ गिर रही है, बराबर है ना, तो वो उसको आप सच मान सकते हैं। इट विल बी स्नोइंग बाय द टाइम आई गेट होम। ख्याली पुलाव पका रहा है बंदा या बंदी, क्या बोल रही है, बारिश गिरेगी जब मैं घर जाऊंगा, जब मैं घर में होऊंगा तब बारिश गिरेगी। कहीं लिखा हुआ है क्या ऐसा? मतलब फ्यूचर की बात है, भविष्य की बात है। चलो परफेक्ट वाली बातें सुनते जो पक्का हो चुकी है। इट हैड ऑलरेडी स्नोड बिफोर आई लेफ्ट। जब मैं निकल चुका था तब वहां बारिश गिर चुकी थी। बारिश बोलता हूँ, बर्फ, स्नो मतलब बर्फ, स्नोड मतलब बर्फ गिरी। प्रेजेंट टेंस क्या बोलते हैं, देखो परफेक्ट में, आई हैव ड्रिवन इन स्नो मेनी टाइम्स। मैंने बर्फबारी में बहुत बार गाड़ी चलाई है या चलाता ही हूं। इट विल हैव स्नोड 6 inches बाय द एंड ऑफ द डे। शाम तक के बर्फ 6 inch मोटी हो जाएगी। मतलब जो बर्फ की लेयर गिरती है ठंडी की जगह पे, जैसे स्विट्जरलैंड, कनाडा, जो ऐसी ठंडी जगह है, कश्मीर वगैरह, यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं कि शाम तक, एंड ऑफ द डे, डे मतलब शाम तक 6 inch स्नो बर्फ जमा हो जाएगी। क्या ये सच माना जाएगा? नहीं, क्योंकि वो अंदाज लगा रहा है, फ्यूचर की बात कर रहा है, भविष्यवाणी कर रहा है, तो सच नहीं हो सकता, या हो भी सकता है पर हम उसको सच नहीं मानेंगे। परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब वो घटना परफेक्टली हो चुकी थी और अभी भी होते आ रही है। इट हैड बीन स्नोइंग फॉर 2 days बिफोर इट स्टॉप। ये रुकने के पहले 2 दिन तक लगातार चल रही थी, है ना, मतलब पास्ट टेंस। यह रुकने के पहले 2 दिन लगातार चल रही थी घटना, वो 2 दिन से कंटिन्यू लगातार हो रही थी। प्रेजेंट टेंस की बात करते, इट हैज बीन स्नोइंग ऑल मंथ लॉन्ग। ये महीने भर से चलती आ रही है। मतलब वो घटना कुछ दिनों से कंटिन्यू चल रही है, पिछले, अभी भी चली रही है ना, मतलब बर्फ अभी भी गिर ही रही है। तो ये तो आपको दिख ही रहा होगा, है ना, तो ये बात को हम सच मानेंगे। इट विल हैव बीन स्नोइंग फॉर 3 days बाय द टाइम इट स्टॉप्स। मतलब जब ये रुकेगी, इट विल हैव बीन स्नोइंग मतलब जब ये रुकेगी तब 3 दिन हो चुके होंगे। विल मतलब भविष्यवाद, होना होंगे। तो समझ में आ रहा है आपको ये सब चीजें? ज्यादा का ग्रामर नहीं पढ़ना है, मैंने आपको पहले दिन ही सिखाया था, ज्यादा ग्रामर नहीं सीखना है। जो समझ में आ रहा है पहले उसको सीखो, और जब वो सीख जाओ तो आगे बढ़ो कि ये सब क्या लिखा है। समझ में आया क्या आपको शॉर्टकट जल्दी सीखने का? यस, ठीक है, चलो अच्छी प्रैक्टिस करो। कुछ नहीं आया तो वीडियो को बार बार देखो, बहुत हार्ड है, लेकिन कुछ भी चीज़ हार्ड नहीं होती आप जब उसकी प्रैक्टिस बार बार नहीं करते। बार बार प्रैक्टिस करो, ये आपको ईजी लगने लगेगा। ओके, चलो ऑल द बेस्ट।